सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने घर में बिल्कुल आसान तरीके से पंजाबी कढ़ी पकौड़ा कैसे बना सकते हैं। पंजाबी कढ़ी पकौड़ा बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप गाढ़ी खट्टी दही, 4 बड़े चम्मच बेसन, 1 कप पानी। सबसे पहले हम यहाँ पे कढ़ी का बैटर रेडी करेंगे। तो मैंने ले लिया एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल, इसमें मैं डाल रही हूँ ये दही। एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों, कढ़ी बनाने के लिए आपको जो दही लेनी है वो थिक और खट्टी होनी चाहिए। अगर दही अच्छे से गाढ़ी और खट्टी नहीं होगी तो आपकी कढ़ी में टेस्ट नहीं आएगा। इसे हम अच्छे से विस्कर से विस्क कर लेंगे। हमें यहाँ पे दही में बिल्कुल भी गांठे नहीं चाहिए, बिल्कुल स्मूथ दही चाहिए, तो इसीलिए हम इसे अच्छे से विस्कर से विस्क करके स्मूथ कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे डाल दूंगी ये बेसन और इसे भी अच्छे से विस्क करूंगी। बेसिकली हमें यहाँ पे लम्स निकालने हैं तो हमें लम्स फ्री बैटर चाहिए, इसीलिए इसे अच्छे से विस्क करना काफी जरूरी है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी और इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करूंगी। एक साथ पानी आपने नहीं डालना है, अगर आपने एक साथ पानी डाला तो बैटर में गांठे पड़ेंगी। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाए और इसे अच्छे से विस्क करते जाए। अब कढ़ी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 बड़ा प्याज, जिसे मैंने पतले लंबे स्लाइसेस में काटा, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच देगी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा, 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन, 1/2 छोटा चम्मच मेथी दाना, 1 सूखी लाल मिर्च, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और ये दही बेसन का रेडी किया हुआ बैटर। पैन में मैंने डाला है 1 कड़छी तेल, तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ खड़े मसाले, जीरा, अजवाइन, मेथी दाना और सूखी लाल मिर्च। आप चाहें तो दोस्तों यहाँ पे कुछ कड़ी पत्ते भी ऐड कर सकते हैं, कड़ी पत्ते टोटली ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो आप ऐड जरूर करें। इसे हम अच्छे से क्रैकल होने देंगे। फ्लेम मैंने रखी है मीडियम हाई। मसाले अच्छे से क्रैकल हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं डालूंगी स्लाइस किया हुआ प्याज। प्याज को हम कंटिन्यूअसली चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे जब तक कि ये हल्का सुनहरा नहीं हो जाता। हमें यहाँ पे डार्क गोल्डन प्याज नहीं चाहिए, बिल्कुल हल्का सा सुनहरा प्याज ही हमें चाहिए कढ़ी बनाने के लिए। अगर आपको अदरक लहसुन का टेस्ट पसंद है तो इसी टाइम पे यहाँ पे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी आपने ऐड करना है, मैं नहीं डाल रही। देखिए प्याज अच्छे से गोल्डन हो गया है, इससे ज्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। अब मैं डाल रही हूँ सूखे मसाले, नमक, देगी लाल मिर्च पाउडर, जिससे कढ़ी को बहुत ही अच्छा कलर मिलेगा। साथ ही डालूंगी 1/2 छोटा चम्मच हल्दी। इन सबको अच्छे से मिला लूंगी। अब मैं डाल रही हूँ ये दही और बेसन का बैटर जो हमने रेडी करके रखा है। जब हमने डालना है दही बेसन का बैटर उस टाइम पे गैस की फ्लेम लो होनी चाहिए। साथ ही मैंने डाल दिया 3 कप पानी। पानी को मैंने मेजरिंग कप से मेजर करा है। आप टोटल अब इसमें 4 कप मैंने पानी डाल दिया, 1 कप हमने बैटर बनाते टाइम डाला था और 3 कप अभी डाला। टोटल 4 से 5 कप पानी इसमें डलेगा। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। जब तक इसमें एक उबाल नहीं आता हमें इसे छोड़ना नहीं है, हम इसे लो फ्लेम पे कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे। ये देखिए मैंने इसे लो फ्लेम पे कंटिन्यूअसली चलाया है। अब हमारा जो कढ़ी का मिक्सचर है वो बॉयल होना शुरू हो गया है। अब मैं यहाँ पे स्पैचुला निकाल रही हूँ और इसे ढक के रखूंगी 1/2 घंटे के लिए लो फ्लेम पे। बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। 20 मिनट हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने डाल दी 1 पिंच सिट्रिक एसिड, क्योंकि मुझे कढ़ी में थोड़ी सी ज्यादा खटास पसंद है तो मैंने यहाँ पे 1 पिंच सिट्रिक एसिड यूज करा है। इसे भी अच्छे से मिला लूंगी और 10 मिनट के लिए इसे हम सिम पे बॉयल होने देंगे। तब तक हम बनाते हैं पकौड़ों का बैटर। यहाँ पे मैंने ले लिया मिक्सिंग बाउल, इसमें मैं डाल रही हूँ 4 चम्मच बेसन, ये 4 टेबल स्पून बेसन है। साथ ही मैं डालूंगी 1 बड़ा प्याज, जिसे मैंने रफली चॉप किया है। कढ़ी दोस्तों जितने अच्छे से कढ़ेगी उसका स्वाद उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, तो आप इसमें 4 की जगह 5 कप पानी डाल के इसे 1/2 घंटे की जगह 45 मिनट भी लो फ्लेम पे बॉईल कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें, बीच बीच में इसे चलाएं जरूर, नहीं तो ये बॉटम में स्टिक होगी। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया 4 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया और साथ ही डाल रही हूँ 2 हरी मिर्चें, नमक स्वाद के अनुसार,
आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक पिंच हल्दी। हल्दी से पकौड़ों को बहुत ही अच्छा कलर मिलेगा। आधा छोटा चम्मच अजवाइन, जिसे मैंने अपने हथेलियों में क्रश कर लिया और उसके बाद इसे इस बैटर में डाला। इन सबको अच्छे से मिला लूंगी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी और यहाँ पे पकौड़ों का बैटर बना के रेडी करूंगी। बैटर हमें थिक चाहिए, हमें यहाँ पे थिन बैटर नहीं चाहिए, नहीं तो पकौड़े अच्छे नहीं बनेंगे। देखिए पकौड़ों का बैटर बनके रेडी हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 छोटा चम्मच खाने वाली मीठी सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा। इसे भी अच्छे से मिला रही हूँ और बैटर को ढक के रखूंगी 5 मिनट के लिए साइड में। तब तक हम कढ़ाई में तेल गरम होने रख देते हैं। पकौड़े का बैटर बनके बिल्कुल रेडी है। इसे मैंने किया कवर और ढक के रखूंगी 5 मिनट के लिए साइड में। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, पकौड़े के बैटर ने रेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे छोटे छोटे पकौड़े में ऑयल में डाल रही हूँ। बहुत ज्यादा बड़े पकौड़े में नहीं डालने हैं क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा डली हुई है, तो ये जैसे ही जाएंगे कढ़ी में ये ऑटोमेटिकली फूल के बड़े हो जाएंगे। पकौड़े डालते टाइम फ्लेम मैंने कर दी थी लो, फ्लेम को मैंने किया है हाई और से हाई फ्लेम पे दोनों तरफ से गोल्डन क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। इसे चलाएं जरूर ताकि इसमें एक समान इवनली कलर आए। ये देखिए पकौड़ों में कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है, सभी तरफ से ये एक समान सिके हैं। कढ़ी भी आधे घंटे से लो फ्लेम पे पक रही है। अब बेसन अच्छे से पक चुका है, कढ़ी में अच्छी खटास भी आ गई है और ये काफी ज्यादा थिक भी हो गई है। तो अब यहाँ पे मैंने डाल दिए फ्राई किए हुए पकौड़े। इसे हम और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे बॉईल करेंगे। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, कढ़ी जितनी कढ़ेगी इसका स्वाद उतना बढ़ेगा, तो आप एक बात का ध्यान रखें, इसमें अच्छे से पानी डालें और लो फ्लेम पे आधे घंटे तक कम से कम पकाएं जरूर। बीच बीच में से चलाना भी जरूरी है, नहीं तो ये बॉटम में स्टिक होगी। कढ़ी बॉईल हो रही है तो यहाँ पे मैंने डाला आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, इसे भी अच्छे से मिला रही हूँ। कढ़ी हमारी बनके तैयार है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसे सर्व करके। देखिए कितनी स्मूथ वेलवेटी कढ़ी बनी है, पकौड़े भी जो है काफी ज्यादा सॉफ्ट बने हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप सब भी अपने घर पे इजी और टेस्टी पंजाबी कढ़ी पकौड़ा बनाएं और इसे सर्व करें गर्मा गर्म स्टीम राइस के साथ। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट पे भी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स वॉचिंग माई वीडियोज़।